हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम इडली बनाएंगे, वो भी लेफ्ट ओवर राइस यानी कि बचे हुए चावल से। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बचे हुए चावल की इडली बनाने के लिए हमने 1.5 कप रात के बचे हुए चावल लिए हैं। इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे पीस लेंगे। तो हमने चावल को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने पके हुए चावल लिए हैं तो उसमें भी नमक होगा, इसलिए नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे। और 1 कप सूजी यानी कि रवा ऐड कर देंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इस बैटर को कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इडली के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप हरा धनिया लिया है। हरे धनिए को इसकी डंडी के साथ लेंगे। साथ ही में हम इसमें 7 लहसुन की कलियां और 3 छोटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा कम स्पाइसी रखना है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। 1 टेबलस्पून भुने हुए चने यानी कि दालियाँ ऐड करेंगे। 2 चुटकी नमक और 2 टेबलस्पून दही ऐड करके इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, आप इस इडली को नारियल की चटनी या फिर प्याज की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इडली के लिए हरे धनिए की चटनी बना ली है। और इडली बनाने के लिए हम जिन मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो जब तक हमने बैटर को सेट करने के लिए रखा है तब तक हम इन बाकी की तैयारियों को कर लेंगे, जैसे कि चटनी बना लेंगे और इसके मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। और इडली को स्टीम करने के लिए स्टीमर भी पहले से तैयार करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपके साथ बचे हुए चावल की टिक्की की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने उस रेसिपी को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 पैकेट इनो ऐड कर देंगे। देखिए, आप यहाँ पर इनो की जगह 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इनो या फिर बेकिंग सोडा हम इसमें तब ऐड करेंगे जब हम इसे स्टीम कर रहे हों। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना फ्लफ़ी होने लगा है और इस बैटर की कंसिस्टेंसी को हमने कुछ ऐसा रखा है। और इस बैटर को हम तुरंत इडली के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने पहले से स्टीमर तैयार करके रखा हुआ है। तो इसमें हमने 2 कप पानी ऐड करके पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया और मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर इडली को 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम करने के बाद इसे खोल कर चेक करेंगे और इसके सेंटर में किसी शार्प नाइफ को डालकर देखेंगे। अगर नाइफ बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि इडली अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे स्टीमर में से निकाल लेंगे। तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब किसी शार्प नाइफ की मदद से इसमें से इडली निकाल लेंगे। ये देखिए, कितनी स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। इसे देखकर कोई कह सकता है कि हमने इसे बचे हुए चावल से बनाई है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें।
रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।